थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप लोग के वजह से कॉन्ग का तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। 70% रिकवरी हो चुका है, ट्रीटमेंट अभी भी थोड़ा बाकी है। तो नया वीडियो आने वाला है किस तरीके से मैं इसका कलर जो फेड हुआ था उसका ट्रीटमेंट मैं किया था, आप लोग को यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। बट आज का जो टॉपिक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में है। आज इस वीडियो पे मैं डिटेल में बताऊंगा डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में और इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं खुद बाय करके प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत जन स्पॉन्सर्ड वीडियो पे ये अच्छा है ये बुरा है बहुत कुछ बोलता है भाई। बट मैं खुद के पैसे से बाय करता हूँ, बाय करके आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट आप लोग के लिए सही है या गलत है। क्योंकि इससे पहले मैं हीटर के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया था, बट आज इस वीडियो पे डिटेल में इसका मैं रिव्यू दूंगा और आप लोग को बताऊंगा इतना मतलब कितना ज़्यादा एक्यूरेट है ये और आप लोग को इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, या फिर आप लोग को एनालॉग जो थर्मोमीटर है वो ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग को थोड़ा टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ, बट आप लोग को आगे चल के डिटेल में आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका बैटरी वगैरह चेंज करना पड़ता है और इसका बैटरी का लाइफ स्पैन कितना है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है या नहीं, सब कुछ डाउट आप लोग का इस वीडियो पर क्लियर आउट कर दूंगा। तो वीडियो पर बने रहो और आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार किए हो लास्ट वाला वीडियो पे, इस तरीके से प्यार करते रहो भाई और आगे चलेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल लेके पता चल चुका है डिजिटल थर्मोमीटर। आज इस वीडियो पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा डिजिटल थर्मोमीटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और ये नॉर्मल एनालॉग थर्मोमीटर से ज़्यादा अच्छा क्यों है, इस वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये मैं खुद पर्सनली बाय किया हूँ, थोड़ा बहुत मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो वीडियो आने में थोड़ा डिले हो चुका है, बट आप लोग के लिए वीडियो मैं लेके आऊँगा। मैं प्रॉमिस किया था हफ्ते में 3-4 वीडियो तो लेके आऊँगा, तो मैं आप लोग का प्रॉमिस की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोग को जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को कंप्लीटली देख लो और जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं आप लोग के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है, हफ्ते में 3-4 दिन आप लोग 3:15 या 4:15 के टाइम पे मेरे चैनल को विजिट करके देख लेना, नया वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये मैं एप्टेक डील्स बोल के एक ब्रांड के तरफ से आता है, ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसका कॉस्ट बॉक्स के बाहर 699 लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही कम प्राइस में आता है। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ मैं जो प्राइस मुझे मिला है, जिस प्राइस पे मुझे ऑफर वगैरह मिला था, मैं बाय किया था, मेरा जो बिल वगैरह है वो भी मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो कॉस्ट मुझे पड़ा था एप्टेक डील्स का यहाँ पर डिजिटल थर्मोमीटर 170 रुपये का मुझे यहाँ पर कॉस्ट पड़ा था और इसका जो ब्रांड नेम है एप्टेक डील्स, मतलब एप्टेक डील्स इसका ब्रांड नेम है। आप लोग बेझिझक फ्लिपकार्ट जाओ, वहां पर जाके सर्च करो, आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। और एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूँ, मैं नया एक चीज़ ऑर्डर किया था वेव मेकर, आप लोगों को शायद पता ही होगा, ये मैं दूसरा एक टैंक सेटअप किया हूँ उसके लिए और कॉन्ग के टैंक पे ऑलरेडी है, इसका भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू बहुत जल्दी आएगा, आई थिंक परसों आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसके बॉक्स के अंदर क्या कुछ चीज़ आप लोग को मिल रहा है वो आप लोग को पहले दिखा देना चाहता हूँ। ये बैटरी ऑपरेटेड है पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ और ये आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप लोग का अगर किस्मत अच्छा है तो बैटरी सेलर के तरफ से मिल जाएगा, नहीं तो भाई आप लोग को दुकान से खरीदना पड़ेगा। आगे चल के मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल में दिखा रहा हूँ, कौन सा बैटरी लगेगा, किस तरीके का बैटरी होगा, सब कुछ डिटेल में वीडियो पर दिखाऊंगा। आप लोग को पहले थर्मोमीटर को ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ, थर्मोमीटर के ऊपर आप लोग का ब्रांड नेम देख सकते हो एप्टेक डील्स, यहाँ पर आप लोग को कोई भी बटन्स वगैरह मुझे तो देखने को नहीं मिला है, इसमें आप लोग को कोई बटन्स वगैरह नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक काम करता है, कोई भी इसको आप लोग मैनुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ये एकदम ऑटोमेटिक काम करेगा। किस तरीके से आगे चल के मैं टेस्टिंग करके भी आप लोग को दिखाऊंगा, वो आप लोग ध्यान से देखते रहो। और पीछे से यहाँ का वायर निकलता है, वो वायर आप लोग को कहाँ डालना पड़ेगा, किस तरीके से डालना पड़ेगा, वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाया था बट आगे चल के आप लोग को डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर साइड में मैं दो देख रहा था कुछ क्लिप वगैरह है, आई डोंट नो एक यू चीज़ दिया हुआ है, मे बी किसी को मतलब लगाने के लिए या कुछ भी चीज़, आई डोंट नो एक क्या चीज़ है, ये बैटरी लगाने के बाद मैं चेक करूँगा इसमें कोई बटन वगैरह है या नहीं, ये साइड में तो क्लिप के तरह कुछ चीज़ दिया हुआ है। और पीछे बैटरी का कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आप लोग को दो बैटरी लगेगा, उससे पहले मैं आप लोग को वायर का क्वालिटी दिखा देना चाहता हूँ। वायर का क्वालिटी बहुत अच्छा है भाई, प्राइस के हिसाब से 170 रुपये मुझे मिला है ऑफर में, आप लोग को लगभग 200 के अंदर इसको मिल जाएगा, ज़्यादा प्राइस इसका पड़ता नहीं है, बट आप लोग 200 रुपये में अगर प्राइस के हिसाब से देखो वायर का क्वालिटी टॉप नॉच मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो वायर मिल रहा है एकदम पतला नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम मतलब गुड क्वालिटी का वायर है। और उसके सामने आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ जो एग्जैक्टली जो मर्करी वगैरह होता है जिसके वजह से आप लोग का जो टेम्परेचर है वो स्कैन होता है, वो मुंह के सामने एकदम लगा हुआ है और एकदम सील्ड किया हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये आप लोग को
पानी के अंदर डालना पड़ेगा। किस तरीके से काम करता है आगे चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होना चाहिए। अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होगा तो भाई आप लोग को ये पानी के अंदर डालोगे तो भाई जो रीडिंग है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये आप लोग को पानी के अंदर पूरा वायर जो है ये आप लोग पानी के अंदर आप लोग को डालना है। और यहाँ पर आप लोग को जो वायर का मैं पहले ही बोला था क्वालिटी जो लगा है मुझे बहुत अच्छा है वायर का क्वालिटी। और यहाँ पर आप लोग को बैटरी लगा के अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है डिजिटल थर्मोमीटर का, डिजिटल थर्मोमीटर आप लोग को पूरा पानी के अंदर डालना नहीं पड़ता है। इसका जो बॉडी है जो हाथ में मैं पकड़ा हूँ लेफ्ट हैंड पे, ये आप लोग को बाहर रखना है और जो वायर है उसको आप लोग को पानी के अंदर डालना है। गलती से भी पूरा पानी के अंदर घुसाना मत भाई, पूरा पानी के अंदर घुसाओगे तो भाई ये खराब हो जाएगा। तो पीछे देखिए आप लोग, ये वाटरप्रूफ मतलब इसका जो बॉडी है ये वाटरप्रूफ नहीं होता है, वायर जो है वो वाटरप्रूफ होता है। तो इसको आप लोग को पीछे पुल करना पड़ेगा। आप लोग को यहाँ पर एरो साइन दिया हुआ है और उसको आप लोग को सिंपल हल्के तरीके से ओपन करना है। जल्दी से फटाक से ओपन मत करना, टूट जाएगा, बहुत नाजुक है भाई, मैं खुद देखा हूँ। और इसके अंदर आप लोग को दो बैटरी का कंपार्टमेंट मिलेगा। आप लोग को अगर बॉक्स के अंदर बैटरी मिल जाता है तो भाई आप लोग का किस्मत एकदम बल्ले बल्ले है, तो आप लोग को बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तो भाई आप लोग को नॉर्मल वॉच के दुकान पे जाना है, और वॉच के दुकान पे जाने के बाद इस तरीके का दो बैटरी आप लोग को मिल जाएगा। बट मेरा किस्मत अच्छा था, मुझे जो बॉक्स के अंदर ही दो बैटरी मिल गया था। बट आप लोग को अगर नहीं मिलता है, यहाँ पर बैटरी का जो मॉडल नेम है LR44, आप लोग को मैं थोड़ा कैमरे पे भी दिखाना चाहता हूँ। ये बैटरी का मॉडल नेम है LR44, ये आप लोग दुकान पे जा भी दिखा सकते हो। आप लोग को मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, थर्मोमीटर उठाओ दुकान पे लेके जाओ, आप लोग को दुकानदार बैटरी लगा के वहाँ पर आप लोग को दे देगा। फिर भी आप लोग को लगता है कि आप लोग खुद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दुकान से खरीद के लेके आओ बैटरी, लेके आने के बाद थर्मोमीटर के अंदर लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना है अभी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सिंपल आप लोग को पीछे वाला जो कंपार्टमेंट है हल्के तरीके से ओपन करना है। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, जल्दी से हड़बड़ी से ओपन मत करना, टूट जाएगा भाई ये। अगर टूट जाए तो आप लोग का ही प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो मैं दो बैटरी किस तरीके से लगा रहा हूँ। इसका जो पॉजिटिव चीज़ होगा वो ऊपर में रहेगा, जो नेगेटिव होगा नीचे रहेगा। आप लोग गलती कर देते हो, बहुत जन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हो कि भाई मैं बैटरी लगा दिया हूँ, काम नहीं कर रहा है मेरा थर्मोमीटर। काम क्यों नहीं करता है अभी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, देखिए जो मेटल वाला पार्ट है वो नीचे रहता है, मतलब जो बैटरी का नेगेटिव पोल है वो आप लोग को नीचे रखना पड़ेगा, जो पॉजिटिव पोल है वो आप लोग को ऊपर रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो भाई काम नहीं करेगा। मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो आप लोग का गलती हो जाता है क्या वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप लोग इस तरीके से आप लोग अगर प्लेसमेंट करोगे तो आप लोग का थर्मोमीटर चल जाएगा। अगर आप लोग गलती जो करते हो, मैं देखा हूँ बहुत जन गलती कर देता है कि बैटरी को उल्टा लगा देता है, किस तरीके से मैं यहाँ आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से गलती से भी मत लगाना, इस तरीके से लगाओगे तो भाई थर्मोमीटर चलेगा नहीं, उल्टा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आप लोग जब भी फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, उल्टा मत लगाना, सीधे तरीके से लगाना। बैटरी का नेगेटिव पोल नीचे जाएगा, पॉजिटिव पोल ऊपर रहेगा। ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है नेगेटिव पोल है और ऊपर जो है पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव को आप लोग को ऊपर रखना है, नेगेटिव आप लोग को नीचे डालना है, और उसके बाद सिंपल कंपार्टमेंट को बंद करना है और उसको हल्के से स्लाइड करना है। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, जोर से दबा के स्लाइड मत करना, टूट जाएगा भाई। हल्के से यहाँ पर आप लोग को स्लाइड कर देना है, बस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आना स्टार्ट हो चुका है। अभी के ठंडे का टाइम है, 24 डिग्री दिखा रहा है। बट एक चीज़ मैं आप लोग को मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो टेम्परेचर है ये चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम। हाथ में अभी पकड़ा हूँ, अभी देखिए मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर से रीडिंग ले ले रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग इंसान का थर्मोमीटर बॉडी के अंदर काम करता है, उस तरीके से ही ये भी काम करता है। जो मेटलिक पार्ट है, जो मरकरी है, उसको आप लोग को होल्ड करने से ही आप लोग का जो टेम्परेचर रीडिंग है वो यहाँ पर से दिख जाएगा। बट मुझे जो चीज़ ख़राब लगा इस डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में, इसके अंदर कोई भी बटन नहीं है। आप लोग को इसको कुछ भी करके बंद नहीं कर सकते हो। एक बार बैटरी लगा दिया तो भाई ये ऑन हो जाएगा, जब तक बैटरी ओपन नहीं करोगे ये बंद नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा। ये एकदम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बैटरी लगाने के तुरंत बाद, और उसके बाद से ही टेम्परेचर रीड करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24 से अभी 27 डिग्री हो चुका है, जो टेम्परेचर होता है सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद एक घंटा आप लोग मैक्सिमम, एक घंटा टाइम नहीं लगता है, हाफ एन आवर 30 मिनट तक अगर आप लोग रख दोगे तो आप लोग को 30 मिनट के बाद वहाँ पर आप लोग को जो रीडिंग है वो स्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं TDS मीटर के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को पहले ही बताया था, इसमें भी आप लोग टेम्परेचर देख सकते हो। इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर मैं चेक किया था, तो इसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ी वाला लगा कि इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम दिखा रहा है TDS मीटर पे, और इसमें जो दिखा रहा है थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। अगर मैं आप लोग को अभी एक्यूरेट टेम्परेचर बताऊँ तो ये दोनों के बीच का टेम्परेचर अभी है। आप लोग को लगभग अभी जो टाइम कलकत्ता में चल रहा है विंटर के टाइम पे, अभी का जो टेम्परेचर है 25 पॉइंट समथिंग
नहीं है, तो मैं दोनों को ही एक्यूरेट नहीं बोल सकता हूँ, दोनों पे ही एवरेज दिखा रहा है, तो आप लोग दोनों के बीच में पकड़ लेना है। तो अभी मैं आप लोग को पानी पे डाल के आप लोग को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। जो चीज़ मैं पहले बताया था आप लोग को, सिंपल सा चीज़ है आप लोग को टेम्परेचर रीड करने के लिए, इंस्टेंट कभी भी रीड मत करना, आप लोग को आधे घंटे तक वेट करना है पानी पे डालने के बाद, आप लोग को फिर पता चल जाएगा एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। अभी आप लोग को 26.3 दिखा रहा है, थोड़ी देर पहले 26.9 था, 6 था, तो ऐसा फ्लक्चुएट होता है भाई, इससे डरने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल पानी के अंदर ये डाल देना है, उसके बाद देखना है टेम्परेचर कम ज़्यादा क्या हो रहा है, आप लोग को वेट करना है। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, हड़बड़ी मत करना, वेट करना है, वेट करो तो आप लोग का जो टेम्परेचर सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन होके जो एक्यूरेट वाटर का टेम्परेचर है आप लोग को दिखा देगा। बट फिर से मेंशन कर रहा हूँ, जो भी टेम्परेचर आप लोग को डिजिटल थर्मोमीटर पे शो करता है या फिर आप लोग अगर टीडीएस मीटर से भी चेक करते हो, वो टेम्परेचर एक्यूरेट। देखिए यहाँ पर 28 डिग्री अभी बाहर का टेम्परेचर हो चुका है, पानी का टेम्परेचर कुछ अलग दिखा रहा था, अभी बाहर निकाला तो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये आप लोग को खुद मैं लाइव यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आप लोग को पहले बता रहा था कि टेम्परेचर कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है भाई। इसमें देखिए अभी फिर से कम हो रहा है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप लोग को मिल रहा है उससे मान के चलो आप लोग का पानी का टेम्परेचर 2-1 डिग्री कम होगा या फिर 2-1 डिग्री ज्यादा होगा। तो ये आप लोग को एवरेज मान के चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे इतना ही था, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा, थैंक यू, बाय।